उदी गैस गैस निकाल दो तुम, गैस निकाल दो तुम, गैस निकाल दो तुम। मैं तो वो मंजर सोच रहा हूँ जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम रोटी बनाती रहोगी, तुम्हारा पति कैसे देखता रहेगा तुमको, ऐसे एक टक बस देखता ही रहेगा, देखता ही रहेगा। कहाँ से हो आप? दिल्ली। दिल्ली। क्यों इतनी खूबसूरत हो यार तुम? थैंक यू। ठीक है नुफ़ा, फिर जा रहा है, स्माइल बहुत अच्छी है तुम्हारी, यहाँ पे लग रही सीधे पार हो गया नुपुर, यार कसम से जा रहे नुपुर, बाय। क्यों एक इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है, कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए, एक चला जाए शादी के रास्ते पर और ये जो शोहरत होती है ना सोशल मीडिया के जरिए, किसी के भी जरिए, कभी भी इसको अपने सर पे मत बेटा चलने चढ़ने देना। बहुत वो है, हो रहा है मालूम है, फर्स्ट टाइम मैं किसी से लाइव में भी बात कर रहा हूँ, भी अपने फेवरेट से है। मुझसे मत पूछ मेरी दिल की कहानी ए हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। नितिन शुक्ला और बेटे बेटे क्या गाली दे रहे हैं लड़कियां भी, आई लव यू टू। अक्षरा जी कैसी हैं? मैं अक्षरा जी के मैनेजर हूँ क्या जो आप मुझसे पूछ रहे हो? ज्वाइन करो, मेरा नाम तो नहीं है ना, आए हाय, ऐसा लगता करंट मार दिया किसी। बंद करो ना उसको। मैं सोच रहा था कि अभी तुम लोग आओगे मुझसे मिलने के लिए, एक बात बताओ तो यार, नाइट कर्फ्यू लगने वाला है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ बच्चे, आप कैसे हो? सेकंड टाइम आपसे बात हो रही है। अच्छा, ऐसे पहले हो चुकी है बात? हाँ एक बार हुई है, फर्स्ट आपने मेरे को ऐड किया था, अभी आप दूसरे बार मेरे को ऐड किए। अच्छा अच्छा, इतना वेट हम करते हैं पता है आपका लाइव आने का, पर आप जल्दी मतलब रिस्पांस, मतलब जो आपके फैन है आप उसको रिस्पांस नहीं देते हो, जो बस यूं ही टाइम पास के लिए आते हैं उन लोगों से आप बात करें। कोलकाता में आऊंगा, कोलकाता में मेरी बुआ का लड़का रहता है, पूरी फैमिली रहती है, और मुझे आना होगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, वहां पे आना होगा, तो मैं भी सोच रहा हूं उसका वेट कर रहे हैं, शूट निकल जाए। जी जरूर आऊंगा मैं, जरूर। जी जी, और जो मतलब आपके फैन है जो आपको इतना पसंद करते हैं उनको ऐड किया करो ना, यूं ही सबके साथ मैसेज वगैरह, मतलब क्या हम लोग इतना आपको पसंद करते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स ग्रुप पता है आपको फॉलो किए हैं, पर आप उन लोगों किसी को ऐड नहीं करते हो। यार एक्चुअली क्या होता है ना जरीन जी, इतने सारे रिक्वेस्ट रहते हैं तो मुझे लगता है कि रेंडम ऐसा नहीं, क्यों मेरी कोशिश रहती है कि जिससे मेरी बात एक बार हो चुकी है दोबारा उससे ना हो, दोबारा फिर नए लोग से हो, ताकि सबको मौका मिल सके। जी 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 बिल्कुल, आपको इतना टाइम से मैंने फॉलो किया है, आपने से फर्स्ट बार मेरे को ऐड किया था, वो भी रात के 1 बज रहे थे, जो लाइट्स वगैरह सब ऑफ था, सही से हम आपसे बात नहीं कर पाए थे, मेरी सिस्टर्स वगैरह भी थी तो लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था, और आपने सेकंड टाइम आज ऐड किया है, तो फाइनली, तो प्लीज ऐसे बहुत सारे आपके फैन है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, तो प्लीज उन सबको ऐड किया करो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। थैंक यू सो मच यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बोला उस पर ध्यान दिया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ऐसे हमारे कोलकाता में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, हर वक्त आपके रील्स देखते हैं, लाइक्स वगैरह करते हैं, और मेरे ग्रुप में तो सब आपको बहुत, और मेरी एक फ्रेंड जो है ना वो तो आपकी एकदम मतलब क्या बोले, मेरे से ज्यादा बहुत बड़ी दीवानी है, बोलती है बस एक बार मतलब कोलकाता आ जाए। क्या नाम तो है प्लीज, उसका खुशी नाम है, ऐसे तो उसको सब खुशी जी से जी, बोल देना कि खालिद बोल रहा है खुशी तुमको इस दुनिया की सब खुशी मिले। मेरे लिए भी कुछ, अरे तुम्हें तो हम मिल गए, बात खत्म हो, बात खत्म, अरे मत बोलिए हम मर जाए। थैंक यू, अरे स्क्रीन
चलो अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं, ठीक है? जी जी जी। 200 रुपए आया क्या गूगल मेल चेक में? श्रेयस सिंह, थैंक यू, थैंक यू सो मच ब्रदर। भाई जैसे मुझे टाइम दिया और भी फैन को तो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई वही करने के लिए आए हूं, ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप बताओ। तुम 90s के सॉन्ग्स पे वीडियो बनाते हो ना? जी भाई, देखे हैं क्या आप? क्या मैंने देखा है तुम्हारी वीडियोस आती हैं आजकल, तुम्हारी एकदम एकदम नया नया खिले हो तुम। अभी बिल्कुल अभी 2 महीने से, 2 महीना हुआ खिलते हुए, खिलोगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इंशाल्लाह भाई, एकदम 90s के सॉन्ग्स की बात ही अलग है भाई। हाँ, कोई बराबरी नहीं उस गाने की। और बाल बाल अभी थोड़ा सा तुम साइड से बढ़ाओ, साइड से। अरे पड़े हुए थे, कान वान सब ढक गया था, फिर मैंने कटवा दिए। अरे काहे के लिए कटवा दिया, आज का लुक नहीं, 90s का अगर गाना चलाना है भाई तो समझ लो हम 90s के 2019 से बना रहे हैं, समझ लो। उसके लिए तुमको रफ बाल रखने ही पड़ेंगे भाई, यहाँ से निकला के यहाँ से, ये एकदम पूरा ऐसे करके झाड़ने वाला नहीं होगा। हाँ। वो बड़ा इजी भी है उसको मेंटेन करना, बस शैम्पू करते रहो, हल्का सा रात में तेल लगा लो, सही रहेगा। अरे आपकी गली में कोई बच्चा रहता है, वो आया था मेरे पास कि कह रहा भाई मैं आपकी खालिद भाई से बात कराऊंगा, डेली वीडियो कॉल करता वो, दौड़ता हुआ आपके घर जाता, फिर आप घर पे नहीं रहते। उससे पूछो भाई कितने रुपए लेते हो, वो माँ की आँख सबसे ही, वो मेरे को मैसेज आता है कोई लड़का है, बोलता है कि भाई इसको ले आओ, इसको ले आओ। हमने कहा तुम कितने कितने रुपए लेते हो सबसे, ले आ गए, ले आ देंगे। अबे जब देखो 6-7 बच्चे लेके आता है, बच्चों को ले आता है, तो बच्चों को मैं अपने सीधे रूम में ही बुला लेता हूँ, मैं बोलता हूँ रूम में ले आओ सब आता है। इतने बड़े बड़े बच्चे आते हैं यार, छोटे छोटे से बच्चे, उनका प्यार कुछ अलग ही होता है। और बताओ कहाँ रहते हो तुम भाई? मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में किस जगह बेटा? दिल्ली में शाइन बाग का नाम सुना है? वही धूम मचाओ एकदम दिल्ली में। चलो और उसे बात करो, ठीक है ब्रदर, ठीक है। डीएम का यार रिप्लाई कर देना बस। हाँ मैं भी इस समय दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, ये यहाँ पे तुम्हारा अभी कहाँ पे? पहाड़गंज, पहाड़गंज। अच्छा पास में ही है? पास में, मैं भी सोच रहा हूँ कि सर अभी वीडियो निकलना है, वीडियो बनाने का थोड़ा भी मन कर रहा है, लेकिन कहाँ बनाए यार, नाइट कर्फ्यू लग जाएगा अभी। ठीक है ब्रदर। अदनान, चल अदनान पठान, हाय हाय पठान, क्या बात जी। अदनान लग रहा है इंस्पायर है, अदनान पठान 0400। अच्छा कर रहा है, वीडियो देखेंगे। अच्छा 50 के वन। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, और इसकी एक्सप्रेशन बहुत है। इसको मेरी एडवाइस बस यही है अदनान तुमको कि यार कभी भी जिंदगी में ये जो शोहरत होती है ना सोशल मीडिया के जरिए, किसी के भी जरिए, कभी भी इसको अपने सर पे मत बेटा चढ़ने देना कि आपको बहुत लोग जानने लगेंगे, तो आप ये मत सोचना कि आप कुछ हो गए हो, ऐसा कभी कुछ मत अपने अंदर लेके आना। सही बात, सब चीजें मेरे साथ ये बहुत हुआ है और सब चीजें चली भी जाती हैं, क्योंकि अगर एक एक महीने भी तुम्हारी वीडियो नहीं आई ना तो ये जो लोग तुम्हें जान रहे हैं ये लोग तुम्हें जानेंगे भी नहीं, तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो कभी भी अपने आप को ना बहुत ज्यादा जिंदगी में कभी ओवर एक्साइटेड ना होना किसी भी चीज के लिए, चाहे दुख हो उसके लिए भी नहीं, चाहे बहुत खुशी मिल जाए उसके लिए भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ये आती जाती रहती है, तो इससे इतना लगाव मत रख लेना कि ये कभी चली जाए और तुम्हें तकलीफ हो जाए कि अरे अल्लाह पहले क्या था और अभी क्या, बस इसके मजे लो और हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, ठीक है। एल्बम है, एल्बम में ऐसा है कि मैं 35 साल का आदमी हूँ और मेरा एक बच्चा है 10 साल का, रोहन नाम है उसका, तो कुछ ऐसा है कि अब वो वाला जो जो क्या बोलते हैं ये वाला पार्ट है वो वाला सारा शूट हो चुका है। हाँ हाँ मैं करता हूँ, जितना भी ओल्ड एज वाला पार्ट है ये सब शूट हो चुका है, एंड बाद में हम लोग वेट कम करके 20 किलो कम करके यंग वाला पूरा पार्ट हम लोग शूट करेंगे, तो बस यही है। तो अभी देखो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतना मोटा, इतने फूले फूले गाल और पेट इतना निकल गया मेरा, मैंने कभी इतना नहीं देखा। नहीं वो 24 से 25 का था वो। हेलो, हाय हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसी हो, कहां से हो आप? हां जी, कहां से हो आप? दिल्ली। दिल्ली क्यों, इतनी खूबसूरत हो यार तुम। थैंक यू।
स्माइल और आप कहाँ से? मैं कानपुर, कानपुर। ओके, आपकी रील्स बहुत अच्छी लगती हैं और मैं देखती हूँ, और जो आपका स्टाइल है एकदम डिफरेंट है, बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच यार। तो मैं भी रील्स बनाती हूँ, कभी देखना आप भी। ट्विंकल जी बिल्कुल, हाँ जी। कोशिश करेंगे कि आपकी रील्स में देख सकूं। बिल्कुल, मैंने हाँ आपके कमेंट्स मैंने देखे हैं शायद, लेकिन मैंने रील्स नहीं देखी आपकी, मैं जाके देखता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, श्योर। और बताइए। बस बढ़िया। और क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। हम दुआ करते हैं आप अपने मकसद में कामयाब हो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जल्दी से, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच यार ट्विंकल। रियल नेम ट्विंकल है आपका? नुपुर। अरे नुपुर यार, क्या नुपुर होना चाहिए था। ठीक है नुपुर, फिर जा रहे हैं। स्माइल बहुत अच्छी है तुम्हारी, यहाँ पे लग रही सीधे पार हो गया। नुपुर यार कसम से जा रहे नुपुर, बाय। नुपुर कसम एकदम हंसी हंसते ही जा रही हो एकदम, यहाँ पे लगती है नुपुर, मत किया करो ऐसे। जा रहे करो, बाय कर रहे हैं आसिफ भाई, कर रहे हैं। हेलो 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 सर। वालेकुम सलाम भाई। हेलो हेलो। अरे भाई ना, बड़ा फैन है आपका मालूम है, कब से ट्राई कर रहे भाई, मेरे को कब से हेट करेगा, करेगा नहीं करेगा, फाइनली आपने कर दिया, थैंक यू सो मच। तुम कहाँ से हो भाई? एक्चुअली भाई मैं नेपाल से हूँ, बट एक्चुअली अभी चेन्नई में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताइए क्या करें मैं आपके लिए? देख के आपको बात करके सो एक्साइटेड एक्चुअली, अभी पता ही नहीं था आप करोगे भी नहीं करो, फाइनली आपने कर दिया। तो अब बताओ कैसे दिल्ली में सब? अभी सही है, सही है सब यार, काम था छोटा सा यहाँ पे वो हो गया, अभी बस बैठे हैं, ठंडी है बाहर बहुत ज्यादा। चेन्नई में तो पूरा गर्मी है, पूरा धूप धूप रहता है पूरे दिन सारा, पूरा गर्मी लगता है, फैन चलाओ यार, कहते इतनी गर्मी हो जाती है। एक्चुअली आपकी जो है ना, मतलब मैं थोड़ा कभी कभी बना लेता हूँ, लेकिन आपकी थोड़ा 19 सॉन्ग में रहता है, बाइक में चलाते हैं ना, मसाला मस्त लगता है वो। बोलो के बहुत वो है, वो हो रहा है मालूम है, फर्स्ट टाइम मैं किसी से लाइव में भी बात कर रहा हूँ, भी अपने फेवरेट से है। अरे भाई यार कोई बात नहीं भाई, नर्वस हो धूप की, समझ रहे हो भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं भाई, ले लो ले लो ले ले भाई ले ले भाई ले लो भाई ले लो, ऐसे नहीं होगा बेटा, रुको, अरे हटो यार। हेलो भाई, कैसे हो? और बाप रे, फाइनली आप मेरे को ऐड कर लिए। और बताइए। मैंने देखा ना, मैं लिस्टिंग करती हूँ। और कैसे? मैं बहुत चाहूँ, कहाँ से आप? मैं ठीक हूँ। और कहाँ से आप? यूपी से क्या? मैं मुंबई से। अच्छा अच्छा ठीक है रूपम जी। हाँ ठीक है चलेगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, व्हाट्स द प्लान टुडे? अरे यार मत पूछो, मैंने हर जिंदगी में हर वक्त जितनी भी चीजें करी हैं कभी प्लान से नहीं करी है। आज अगर मैं प्लान से कुछ करता तो मैं कहीं और होता, किसी की गोद में सर रख के सो, मतलब कुछ नहीं, जिंदगी में कभी कुछ प्लान से नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत प्लान कर लेते हैं लेकिन आज का कोई प्लान नहीं है। लविंग योर रिसेंट वीडियोस विद गिन्नी। अरे जायज, वो तो मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा गिन्नी। अब जैसे कि मैं लोगों का क्रश हूँ, तो 2019-18 में वो मेरा क्रश थी, अभी भी है मतलब, तो मुझे अच्छा लगता है उसके साथ वीडियोज बनाना। एक्चुअली कोई मुझे उसकी वीडियोज बना बना के देता है, कोई मेरा फैन है तो बना बना के देता है, तो इतनी अच्छे से वो बनाता है, इतनी खूबसूरती से वो वीडियोस को वो बनाता है, तो मैंने सोचता हूँ कि मैं डाल दूँ अपने प्रोफाइल में। दैट्स इट, और कुछ नहीं, ऐसा एक नंबर। बताइए। काफी टाइम से नाइट कर रहा हूँ आज खालिद भाई, आपने काफी टाइम के बाद ऐड किया है। इसके पहले नहीं किया था कभी? नहीं, काफी 3 महीने से मैसेज कर रहा हूँ आपको मैं। 3 महीने से?
3 महीने से। बाप रे बाप, मतलब मैंने इसके पहले देखा नहीं तुम्हें। कहाँ रहते हो? क्या मालूम आपने? मैं यूपी से हूँ, बिजनौर। बहुत बड़ा फैन हूँ यार। भाई बस वीडियो को लाइक किया करो, एकदम दिल से प्यार किया करो भाई। आपके लिए बगैर बोले दिल से प्यार करते आपको, दुआ किया कर भाई। तुम भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो यार, तुम्हारे इतना पतले हो जाए तो मजा आ जाए। खालिद भाई, खालिद भाई एक स्क्रीनशॉट लेना। बिल्कुल बिल्कुल मेरा भाई, हक नहीं है तो दगा रहा भाई। थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू सो मच। फिर बात होती है। अरे मुझे पता है कि उसको लग रहा है मेरी आंखें फूली फूली लग रही है ना, कोल्डिंग का लास्ट वो तो जगने की वजह से। अच्छा मेरी आंखें जगने की वजह से, तो लोगों को लग रहा है वो ग्लास पी रहे हैं। अगर ये कोल्डिंग का लास्ट ग्लास होता इसमें नहीं होती तो क्या दिक्कत है, तब भी लोगों को जो लगेगा रायता फैल गया। लो यार कसम से, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए क्या? थम्स अप इतनी कड़वी क्यों है? उदी गैस गैस निकाल दो तुम, सही में नशे में लग रहे हैं। अरे जगने की वजह से। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने को पीता है? ये बात हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, बेहोश हो सके, पारों को बुला सके। लेकिन क्यों इतना पीने के बाद भी चंद्रमुखी पारों की याद है कि दिल से ही नहीं जाती? क्यों क्यों इतना मजबूर हो जाता है इंसान? क्यों एक इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए, एक चला जाए शादी के रास्ते पर और मत हाथ लगाओ मुझको, नहीं देख सकता और अज्जात का ये रूप। आज के बाद मैं इस चौकट पे कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। जब जब पारों की याद आएगी तब तब आऊंगा, जब जब खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा, और कहां जाऊंगा। यही सजा मुकर्रर की है हमने अपने आप के लिए। नशे में ऐसे करते हैं। अरे बाप रे बाप, तालियां तालियां, ये अब लगा ना मैं सीधा पूरा नशे में था। क्या बात है, क्या तुम क्या यार, क्या ऐसे आवाज बोलते हो कि खालिद भाई पी रहे हो नशे में हो, थम्स अप अपन पीना। क्या एक्टिंग थी। अरे जैसे बिद्दी किसी को हंसी आई, आई हेट पुष्पा, आई हेट टीयर्स। कहते नहीं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो सही बात, मिलावट वाली थम्स अप है क्या भाई? नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, एक्टिंग है भाई। सच में आप बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर। अरे बाबा सबको बोले भाई मिलावट वाली थम्स अप नीचे इस होटल में मिल रही, मिलावट वाली थम्स अप। भाई प्लीज मुझे फॉलो बैक दे दो भाई, आप मुझे 100 रुपए दो, मैं 50 वापस कर दूंगा, तब दूंगा फॉलो बैक। अगर 100 रुपए फॉलो बैक ले लिए 1 लाख हो जाएंगे। अच्छा 100 रुपए में फॉलो बैक 100 लोग से ले लिए, 100 लोग 10,000 हो जाएंगे, 100 लोग 10,000, 1,000 लोग से 100 रुपए ले लिए अगर हमने तो 1,00,000 रुपए हो जाएंगे। मैं फिर वो 1,00,000 से आएगा 30 हाँ। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं अपने पेटीएम का या गूगल पे का बारकोड लगा देता हूँ, अपने अपलोड कर देता हूँ, जिसको जितना प्यार दिखाना हो नाम से दिखाए। अरे यार कैसी हो?
ठीक हूँ, आप कहाँ से हो? बस आपके दिल में तो रहते हैं। अच्छा, मैं तो नेपाल से। अच्छा, मुझे लगा आप मेरे दिल में रहती हो, लेकिन आप तो नेपाल से हो। रहने को तो हम भी कानपुर में रहते हैं, इंडिया में। अच्छा, और बताइए, सब ठीक है? नेपाल में वो टिकटॉक में मैंने आपका वीडियो देखा था, इसलिए मैंने आपको इंस्टाग्राम में फॉलो किया। क्या बात है, कितना नेक काम किया आपने, पता है? आपके ये काम करने से, देखो यार क्या ऐसी हंसी है तुम्हारी, कसम से बहुत अच्छी। इधर देखो हमको, हाँ ये फिर ऐसे सही था, ठीक था पागल, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ ऐसे तो और भी अच्छा लग रहा है वैसे। कर दिया बस। हाँ बस ठीक है, ये भी बहुत अच्छा, तुम्हारा नाक नक्शा बहुत अच्छा माशाल्लाह, एकदम चेहरे में नमक है तुम्हारे। और बताइए क्या नाम है आपका? पूनम चौधरी। हेलो पूनम जी, आई थिंक आपका नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ट्विंकल सोच रही होगी सेम डायलॉग एक ही जगह चिपका दे रहा है। नहीं लेकिन यार ट्विंकल उसकी स्माइल अच्छी थी ही वैसे, छूट बात नहीं है, डायलॉग सेम था लेकिन टाटा नमक। फ्लर्ट कर रहा है भाई, इनको अभी पता चला। बाप रे भाई, बताना मत किसी को हम फ्लर्ट करते हैं। सज्जन तुम नहीं दिया फॉलो मुझे, तुम यही सब करो, तुम सबसे फॉलो ले लो। हाय बेस्ट, चेहरे पे नमक मस्त था। मेरे तुम्हारे नहीं, उस लड़की के, ऐड करो प्लीज, लड़कियां नमकीन हैं इसलिए, इनको बड़ा पता है। एक बार लो चाट के, लग रहा देख लिए। ये सही बोला, ये जवाब सही था, इनको कैसे पता चला नमकीन है। पंद्रह किए सज्जन, हमने सोचा 25। लगा लो पहले, लगा लो पहले जल्दी से, लगा लो नहीं नहीं लगाओ, मिल नहीं रहा क्या? मिल गया, अरे बात बात बात, यही तो पता है। मैं तुम्हें तारीफ करूं ऐसे थोड़ा तो दूर करो, तुम्हारी आंखें इतनी प्यारी है ना, कसम से मन करता है इसमें डूब जाऊं। और तुम्हारी आंखों की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि एकदम ब्लैक ब्लैक है, कोई और कलर इसमें मिक्स नहीं है, तो व्हाइट और ब्लैक एक अलग ही कॉम्बिनेशन बनता है। और जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे चेहरे पे नमक है, एक तो स्ट्रेट फेस है, और जो हंस रही हो तो और अच्छा लग रहा है, ये जो गोलू गोलू सा गाल पे है ना, अरे कसम से यही तो चाहिए हमको अपनी बीवी के अंदर, और वो सब चीज है तुम, क्या बात है। और तुम्हारे दांत माशाल्लाह एकदम बराबर से, मैं तो वो मंजर सोच रहा हूँ जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम रोटी बनाती रहोगी, तुम्हारा पति कैसे देखता रहेगा तुमको, ऐसे एक टक बस देखता ही रहेगा, देखता ही रहेगा। अरे यार सब क्या हो रहा है, आज तो तारीफ मुझे छप्पड़ क्यों, मेरी लाइफ में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां क्यों? मैं बात नहीं, तारीफ मत करो, तुम मेरे जज्बात के साथ खेल रही हो, क्यों इतने प्यारे होंठ है तुम्हारे यार, क्यों? मतलब मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात करूंगी ऐसे? फर्स्ट टाइम मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ। और बताइए आप कैसे? अब बाल तो मैंने आपके देखे नहीं तो पता नहीं, बाल भी ठीक ही है। आपका ये जो नेपाल में टिकटॉक चलता है, कि कौन चलाता है, पोस्ट कौन करता है? नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो इंडिया में तो बैंड है, कर लेता हूँ। अच्छा, हो जाता है मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर से। ओ सॉरी, अरे अरे वो क्या दिख गया, मैंने नहीं देखा, मैंने ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, कुछ देखा मैंने। और बताइए क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं आजकल आप? नर्सिंग पढ़ती हूँ, नर्सिंग। अरे यार सब छोड़ो, चलो शादी करते, मतलब शादी कर लो जल्दी से, सब छोड़ो।
शादी करने थे। शादी करने के लिए। क्या बोल रही हैं आप? कुछ नहीं बोल रही। अरे बोलो, पता है बोलो, तुम बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं बोलो, इतना करो। उसने आप ही बोले, आपका बोलना अच्छा लगता है। मेरा बोलना अच्छा लगता है आपको? मैं तो फिर तारीफ करने लगूंगा आपकी। यार तारीफ बस मत करो, बस तारीफ मत करो। तारीफ बहुत हो रही आज के लिए ना। हाँ, मैंने इतना तारीफ एक साथ नहीं सुना अभी तक। अच्छा। नहीं नहीं, मैंने जितनी भी तारीफ की है बिल्कुल सच्ची की है, बिना फिल्टर के भी। तुम क्या कमाल, तुम्हें कोई जरूरत नहीं फिल्टर की यार। हाँ, लेकिन ये फिल्टर से एक डिटेलिंग आ जाती है, वो बात अलग। थैंक यू, मुझे लगा नहीं था आप मुझे मतलब ऐड करोगे, तारीफ करोगे। अरे क्यों नहीं यार, जो जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ करेंगे ना। आपका वीडियो मैंने देखा ना एक बार देखा, मतलब आप वो दिल से वीडियो बनाते हैं, अंदर से फीलिंग एक्टिंग में मतलब डूब के, ऐसा मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने सारे वीडियोस देखे, फिर बाद में फिर आपकी पेज भी होगा ऐसा लगा मुझे। मतलब ये बंदा तो नेपाल का हो नहीं सकता ऐसा लगा मुझे, मतलब नेपाल के तो मतलब इतना एक्टिंग में डूब के तो नेपाल वाले नेपाली में ही शादी करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। तुम्हारा क्या इरादा है? अगर ठीक लड़का मिल जाए तो कर लोगी, मतलब ऐसे कोई ऐसी कोई बात नहीं, ठीक होना चाहिए। लेकिन दिल को भा जाएगा, अच्छा लगेगा तो मिल जाएगा। पर मुझे इंडिया का कल्चर भी बहुत पसंद है। तो ठीक है, फिर हम ढूंढते हैं तुम्हारे लिए कोई लड़का। मुंह देखा बोला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पूनम जी, इससे हाँ। पहले कि मैं आपसे शादी कर लूं, मुझे जाना चाहिए। ठीक है। मजाक कर रहा हूँ यार, ज्यादा मेरी बातों को सीरियसली मत लेना यार, लोग सोचेंगे यार क्यों इतना मजाक करता है। इनवाइट हो गई थी फिर। अरे सच्चे, चुप 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 चुप। मेरा क्या है ना कि जब चीजें सामने हो तो तारीफ कर देनी चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे कोई प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की हो। हाँ, बशर्ते तब तक जब तक वो किसी की बीवी ना बनी हो। तब मेरा कुछ वो नहीं है यार। एंड मी आई विल सिंग एक्ट, आप एक्ट करो। वाह, ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही शादी कर लीजिए। गंदी बात ऐसे दूर नहीं करते। अरे ये गंदी बात करके आप लोग को मजा आया कि नहीं? फिर रिश्ता पक्का समझो। एकदम तैयार हो गई थी, देख रहे हो, एकदम उनका भी एकदम मन मचल गया था। हाँ हाँ, इंडिया में अच्छा लड़का होगा तो कर लूंगी। लड़का अच्छा होगा तो कर लूंगी, मुझसे करूंगा। भाई प्लीज प्लीज फॉलो बैक कर दीजिए भाई, 6,000 रुपए दे दीजिए। हेलो हेलो, ऐसा क्या बोल रही है आप? ऐसे का है, सबसे खूबसूरत तो आप ही। अरे मैं आपको ना वैसे मैंने बहुत ट्राई किया आपको ऐड करने के लिए, बट आप ना ऐड ही नहीं करते कभी। और मैं पता है जब से आप टिकटॉक चला रहे तब से मैं आपको ऐड करना चाह रही थी, मैं बात करना चाह रही थी आपसे। अरे आज खुल के बात कर लीजिए, आज हमसे बता ही दीजिए। अरे सारे राज बता दीजिए, खुल के बात क्या कर ले। अरे बोलना क्या, मैं आपसे खुद ही कह रही थी आप मुझे ऐड कर लीजिए, मैं बोलूं कुछ? बोलिए बोलिए। अच्छा लगा मुझे। हालांकि कहाँ से आप? क्या बोलूं, मैं थोड़ा नर्वस हो गई, मैं लखनऊ से हूँ। अरे क्या नर्वस हो गई यार आप, बोलिए बोलिए। अरे क्या बहुत सारे सवाल, यही बोलूंगी आपकी वीडियो मुझे। थैंक यू। हाँ सवाल जवाब बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये तो आप मतलब जबरदस्ती बोल रही है, ये मजाक नहीं है, सीरियसली बोल रही हूँ मैं। लेकिन आप भी बहुत कानपुर वाले हम भी हैं, ऐसा नहीं है। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आप लखनऊ आए तो मैंने आपको तब भी मैसेज किया था, आपको इस दिन शॉर्ट भी भेजा था, आपके साथ एक डुएट बनाया था वीडियो का, टिकटॉक पर भी मैं बना रही हूँ हालांकि आपके साथ वीडियोज, बट आप ऐड ही नहीं करते।
ऐसा अरे नहीं 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 ऐसी बात नहीं है. एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारी रिक्वेस्ट पड़ी रहती है. अभी देखो मैं लाइन से सबको कर ही तो रहा हूँ ऐड, तो अभी आप आई तो कर लिया. जी जी बिल्कुल. अरे आप आइए, हम भी चाहते हैं हम आपके साथ वीडियो बनाएं. अब हम जल्दी से लखनऊ आने वाले, तो आप जल्दी से भाग के आ जाइएगा, हम लोग वीडियो बना लेंगे. हम भाग के कैसे आ जाएंगे, हम तो मैसेज भी करते हैं आपको इनबॉक्स में, आपका भी रिप्लाई नहीं देते. अरे आप चप्पल हाथ में लेके आ जाइएगा, चप्पल हाथ में लेके भागेगी तो लखनऊ की सभ्यता नहीं है. वैसे नवाबों के शहर में रहते हैं, इज्जत बहुत देते हैं. हम भाग के आने की बात कर रहे हैं, मतलब जल्दी नहीं तो चप्पल लेके नहीं भाग के आएंगे, पता चलेगा हम जरूर भाग के आएंगे आपके साथ वीडियो बनाने. नहीं हम बोले चप्पल हाथ में लेके भागिएगा, नंगे पर भागेगी तो स्पीड ज्यादा तेज बनेगी, ये बोल रहा. अच्छा अच्छा, मुझे लगा चप्पल लेके मैं भाग के आऊंगी. नहीं पागल, नहीं नहीं ऐसी थोड़ी रहा. अच्छा, आप आइएगा. वैसे मेरी एक पेट शॉप है लखनऊ में, बार केविन के नाम से. हाँ यार मैंने देखा, यार मुझे एक छोटा सा पप्पी चाहिए, छोटा सा. हाँ बिल्कुल दूंगी, बिल्कुल दिलाऊंगी आपको, मैं दूंगी, खुद दूंगी. मेरे पास खुद भी 17 था. अरे मैसेज करती हूँ आपको, एक प्यारा सा गोलू मोलू सा. आप मुझे अभी मैसेज करो, आपसे मिलना पक्का, लखनऊ आते सीधे आपसे ही मिलूंगा मैं, टेंशन ना लो. ये मेरा फ्रेंड है शुएब. हाय शुएब, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो भाई? तुमने एक चीज नोटिस करी, तुम्हारी नाक मेरी नाक सेम है. बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की नाक लगती है भाई. नहीं नहीं भाई, भाई से मिल रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा. नहीं नहीं भाई, सेम नाक पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी की, एकदम सेम. अरे यार भाई अच्छा लगा बहुत खुशी हुई है वैसे आपसे बात करके, मेरा दिल बिल्कुल भाई आज बहुत हैप्पी है, सही बता रहा हूँ. आपसे किसी बार ट्राई कर रही थी, आज फाइनली बात हो ही गई इसकी. आराध्या बस एक काम मेरा करो, अच्छा से एक छोटा सा बच्चा देखो, ठीक है? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट. जब आप आएंगे आपके हाथ में 5-10 मिनट बाद आपके हाथ में अच्छा से बेबी दूंगा. बस बस बस, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच. आप मुझे अभी मैसेज कर दो, ठीक है? तो मैं देख लेता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच. टेक केयर, थैंक यू सो मच. सेम नाक यार, सेम, सही में यार. तो गाइस प्लीज मेरे हंसी मजाक का ज्यादा आप लोग थोड़ा सीरियस मत है ना, मैं हंसी मजाक ऐसे करता रहता हूँ, फ्लर्ट करता रहता हूँ, बस दिल से आता कर देता हूँ. मुझे लगता है कि लड़कियों की जितनी ज्यादा हो सके दिल से तारीफ कर दो तो उनको सबसे अच्छा. मारे तेरे मुंह पे जब कुछ बोलना है तो बोलने देख रहे हो, ना बोला कर बीच में. मैं बोल रहा हूँ लड़कियों की दिल से तारीफ कर दो तो अच्छा लगता है मुझे, उनको भी अच्छा लगता है. किसी की खुल के उसकी तारीफ कर दो, उसके बाल की, उसकी आंखों की, उसके पलकों की, उसके दांत की, उसके होंठ की, अच्छा लगता है ना उसे. सही है कनपुरिया, वाह वाह वाह. ठीक है गाइस अभी, ओके बाय बाय बाय.